समर्थ, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बना सकती है। हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये विचार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने रविवार को भाजपा कार्यालय के शुभारंभ समारोह में व्यक्त किए। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और काशुभाई ठाकरे जैसे तपस्वी नेताओं के त्याग और बलिदान से भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर और पिछले 500 वर्षों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त कर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया है। इसके अलावा मोदी जी के शासनकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन योजना का सफल क्रियान्वयन किया गया, लेकिन अभी बहुत सा काम बाकी है। देवड़ा ने भाजपा कार्यकर्ता से राष्ट्रहित में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को भारी बहुमत से विजयी बनाने हेतु पोलिंग बूथ पर अपनी पूरी शक्ति केंद्रित करने का आह्वान किया। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। भाजपा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य करें और अधिकाधिक मतदान करवाने का प्रयास करें। पाटीदार ने कहा कि ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव राष्ट्र का भविष्य निर्धारित करेगा। ये देश की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा का चुनाव है। इसीलिए कार्यकर्ता पूरी ताकत से भाजपा को विजयश्री दिलाने हेतु सक्रिय हो जाए। समारोह के दौरान राजपूत समाज के युवा नेता लवेंद्र सिंह पवार ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और राष्ट्रहित में भाजपा को विजयी बनाने की अपील की। समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता राघोराम पटेल, रामकृष्ण जोगी, गौरी शंकर निमाड़े, बढ़वा नापा अध्यक्ष राकेश गुप्ता, नापा नेता प्रतिपक्ष गजेंद्र उपाध्याय, भाजपा नेता संजय राठौर, महिम ठाकुर, कौशल्या पंडित, अनिल बंसल, जितेंद्र सुराणा, श्याम पुरोहित, मोहित दुबे, शुभम शर्मा, सुरेश सोलंकी, अमिता मंत्री पार्षद गंगा भारती शर्मा, पूजा परिहार, दुर्गा मारी, राजेश, अंजलि, नरेंद्र राठौर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्या आज कार्यकर्ताओं का टिप्स देगा चुनाव जीतने का, किस तरीके का लक्ष्य और क्या कार्यकर्ताओं को संबोधित? एक ही लक्ष्य है कि भारत को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करना। सभी कार्यकर्ता भोजन करके जाएं और 2047 तक पूरे विश्व में भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नंबर एक पर लाना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करना हमारा काम है। हम विकास के आधार पर, जन कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी प्रचंड बहुमत से। पूरे देश में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश के नेता ही नहीं पूरे विश्व के नेता हैं, वो फिर प्रधानमंत्री बनकर के बैठेंगे। दो चरणों के अंदर चुनाव का प्रतिशत बहुत कम रहा, तीसरे चरण के अंदर भी क्या प्रयास किए जाएंगे? पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर पोलिंग पर हम सब लोगों को प्रेरित करें, मोटिवेट करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और प्रतिशत हमारा बढ़े। आपने कांग्रेस पे भी आरोप लगाया कभी दलितों को आगे नहीं बढ़ने दिया है, कहाँ बढ़ने दिया मुझे बताओ ना भाई। राष्ट्रपति के पद पर रामनाथ कोविंद जी को अगर राष्ट्रपति के पद पर बिठाया तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने बिठाए। अब्दुल कलाम साहब को, जो मुस्लिम और वैज्ञानिक थे बहुत बड़े, जिनका पूरा सम्मान किया, उनको राष्ट्रपति का पद पर बिठाया। और द्रौपदी मुर्मू बहन हमारी अनुसूचित जनजाति की, उसको राष्ट्रपति के पद पर बिठाया। कांग्रेस बताया।